इमामवाड़ा के आइसोलेशन हॉस्पिटल स्थित कोविड सेंटर में अपराधियों ने जमकर उत्पात मचाया उन्होंने कोविड सेंटर में तोड़फोड़ कर कर्मचारियों को धमकाया रविवार की रात शाम हुए इस वारदात से परिसर में तनाव का वातावरण निर्माण हो गया इमामवाड़ा पुलिस देर रात तक जांच में छुटी हुई थी इमामवाड़ा स्थित मनपा के आइसोलेशन हॉस्पिटल में कोविड सेंटर और वैक्सीनेशन चल रहा है शाम साढ़े छह बजे सिग्नल का अपराधी बादल पसेरकर रिकी डेविड अडबड़िया तथा ललित बुलेट और एक्टिवा पर सवार होकर आइसोलेशन हॉस्पिटल पहुंचे इनमें से एक ने चोट लगना बताते हुए हॉस्पिटल कर्मियों को बैंडेज लगाने को कहा हॉस्पिटल कर्मियों ने कोविड केयर सेंटर होने से मेडिकल में जाने को कहा इससे अपराधी आग बबूला हो गए वह गालियां देती हुई धमकाने लगी उन्होंने हॉस्पिटल में रखी कुर्सी तथा डस्टबिन को तोड़ डाला अचानक हुए हमले से कर्मचारी दहशत में आ गए हॉस्पिटल के समीप ही इमामवाड़ा थाना है वारदात का पता चलते ही पुलिस पहुंच गई उसे देखकर दो आरोपी फरार हो गए कोविड सेंटर के परिसर में उत्पात मचाता हुआ अपराधी सीसीटीवी में कैद हो गया है उनके दो साथियों को पुलिस ने पकड़ लिया बाद में फरार हुए आरोपी भी थाने पहुंच गए बताया जाता है कि आरोपी के खिलाफ पहले भी आपराधिक मामले दर्ज है बादल हमले की वारदात में भी लिप्त है वे कुछ समय पहले एक क्षेत्रीय पार्टी में शामिल हुए है उनके योजना के तहत हॉस्पिटल में तोड़फोड़ किए जाने का संदेह है कोविड हॉस्पिटल में तोड़फोड़ होने से स्वास्थ्य कर्मी तथा परिसर के नागरिक चिंतित है कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार बी न्यूज नागपुर